हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ दिस वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आईकोस G3 की अनबॉक्सिंग की जाएगी, लेकिन इस वीडियो में करेंगे कि नहीं, यार मजाक थोड़ी है, करेंगे। तो मेरे हाथ में है आईकोस G3 5G मोबाइल, यानी कि बजट सीरीज में आने वाला, फ्लैगशिप सीरीज की फीचर्स के साथ आने वाला। ये इंडिया का इकलौता ऐसा मोबाइल है जिसमें की स्नैपड्रैगन 768 5G प्रोसेसर लगाया गया है। स्नैपड्रैगन 768 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला ये इंडिया का सबसे पहला फोन है, यानी कि गेमिंग का मजा इनटू 100 और कैमरा तो काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग बिना समय गवाए हुए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कुछ सरप्राइज है जो कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा सरप्राइज आपको मिल सकता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वो सरप्राइज अपने नाम कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पर एक ओप्पो A54 का गिव अवे कॉन्टेस्ट तो चल ही रहा है दोस्तों, साथ ही में आपको ये फोन मिल सकता है। तो दोस्तों फाइनली करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। ये है एक 5G स्मार्टफोन। कई कंपनी जो है वो क्लेम करती हैं कि उनका प्रोसेसर अच्छा है, उनका फोन अच्छा है, उनमें गेमिंग फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन आईको जो है इसने एक साल बाद अपना फोन निकाला iQOO 7, और आपको पता ही है कि iQOO 7 की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी जा रही है, और उसके बाद इन्होंने निकाला iQOO G3। तो आज हम उसी की अनबॉक्सिंग और उसका प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं। तो यार अगर हम खोलें इसके पीले कलर के बॉक्स को, तो ये पीला रंग जो है वो कुछ ऐसा है जो आप बाथरूम में जाके निकालते हो, बैड जो आई नो। बॉक्स को निकालने के बाद आपको यहाँ पर कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, बस इन स्टिकर्स को यहाँ पर आप लगा लो और उससे आपको अपना दाम पता चल जाएगा। मजाक कर, कुछ नहीं पता चलेगा। अगर हम बात करें इसमें मिलने वाली चीज़ों की, तो पहले यहाँ पर मिलती है हमें USB A to USB C की 55 वॉट्स की स्पीड चार्जिंग। दोस्तों चार्जिंग जो है वो आज के ज़माने में मजाक बन गई है। 100 वॉट का चार्जर हो भाई, 200 वॉट का चार्जर आ गया, 55 तो कुछ रहा ही नहीं है, लेकिन 55 वॉट का चार्जिंग जो है वो 4400 mAh की बैटरी मज़े से 50 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकता है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि फास्ट चार्जिंग होती क्या, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार ये सब कुछ खोलने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है सिम इंजेक्शन टूल और साथ में कुछ वारंटी कार्ड और साथ में यूजर मैनुअल। तो यहाँ पर मेरे हाथ में है 66 वॉट का चार्जर जो कि iQOO की तरफ से आता है, ब्रांडिंग ऑफिशियल है इसकी। यहाँ पर लिखा होगा वीवो इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों आपको नहीं पता कि इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि इसके पिताजी जो है वो वीवो है, बेटा आखिरकार बेटा ही होता है। यहाँ पर हमें नीचे की तरफ मिलता है अपना स्मार्टफोन जो कि डेजलिंग लुक के साथ देखने को मिलता है। दोस्तों बैक कवर के साथ इसकी लुक तो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, और कि बैक लुक देखो कितना शानदार लग रहा है पीछे से, और काफी प्रीमियम लुक दे रहा है ये एक फ्लैगशिप फोन्स के मुकाबले। यार 20,000 की रेंज में फ्लैगशिप फोन्स के मजे लेने हैं तो यार ये फोन बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर हम बात करें इसकी साइड लुक की, तो साइड में देखो यार ये है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, ऊपर आपको दिया गया है वॉल्यूम अप डाउन बटन, ऊपर की तरफ आपको दिया गया है एक सिम ट्रे इजेक्शन टूल, साथ में नॉइस कैंसिलेशन जैक, और साइड बैग कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके साइड प्रोफाइल की, तो यार ये काफ़ी ज़्यादा स्लीक है। साइड से नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक 3.5 mm का हेडफोन जैक, नीचे टाइप सी चार्जिंग जैक, और उसको आपको दिया गया है एक स्पीकर। iQOO की ब्रांडिंग के साथ आपको 5G भी देखने को मिलता है। तो मैं बात करूँ इसके फीचर्स की, तो भाई ये 5G कंपेटेबल फ़ोन तो है ही, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सिम 5G है, यानी कि आपको सिर्फ एक ही स्लॉट में 5G मिलेगा, बाकी दोनों वो 4G कंपैटिबल है, यानी कि 5G का मतलब सिर्फ एक ही सिम में मिलेगा। तो यार चलिए फ़ोन को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर फ़ोन स्टार्ट करने के बाद आपको लुक काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यार ये देखो इसमें काफ़ी सारे ऐप जो हैं वो इस फ़ोन के दिए गए हैं, लेकिन हालांकि ये एक चाइनीज स्मार्टफोन है तो भाई चाइनीज ऐप तो बैन हो चुके हैं, लेकिन आपको कितने सारे ऐप्स जो हैं डेली हंट वगैरह, मोज, iQOO का तो चलो अपना है, शेयर चैट, थीम्स वगैरह, काफ़ी चाइनीज ऐप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पीछे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का 26mm साइज का वाइड कैमरा, और नीचे आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और नीचे आपको मैक्रो कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। और बात करें हम इसके फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जो कि 1080 पिक्सल की फोटोज आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इसके स्पीकर्स की, तो यार वो टेस्ट कर रहा तो बनता है बॉस। तो यार ये वीडियो हमारी पिछली है तो देख जरूर लेना।
डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है इसमें, और आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी, कितनी ब्राइट कलर्स हैं इस फोन में। और यहाँ पर जो आपको साइड एजेस दिख रही होंगी वो नॉर्मल फोन की तरह है। ऊपर करें इसके बैक ग्लास को तो ये लीजिए, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका बैक प्रोटेक्शन तो काफी अच्छा है, और साथ में इसमें लगा है एंटा ग्लास प्रोटेक्शन। दोस्तों काफी अच्छा ग्लास प्रोटेक्शन है, और इस फोन की आपको शायद से मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले। दोस्तों IPS डिस्प्ले, डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर मैं बात करूं आपसे इसके कुछ फीचर्स की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों काफी सारे फोन जिनमें 765 प्रोसेसर था उसमें आपको 2.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता था, लेकिन इसमें आपको 2.8 GHz का प्रोसेसर मिलेगा, यानी कि 15% से 20% की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव दिखेगी इस प्रोसेसर में। दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये रहे कुछ चाइनीज ऐप्स। दोस्तों चाइनीज ऐप्स तो ये आपको 6128, 8128 और 8256 GB के साथ मिल सकता है, लेकिन अभी आईक्यू ने कुछ स्पेशल ऑफर्स निकाले हैं जिसके अंदर आपको ये 17,490 रुपीस में मिल सकता है इंस्टेंट डिस्काउंट पे इसका बेस वेरिएंट जो कि है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके कुछ फीचर्स की तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, पीछे से लुक देखो, ये इसकी बैक लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप फोन्स के साथ मैच करती है, और इसका ये साइबर ब्लू कलर जो है वो काफ़ी अमेजिंग है। दोस्तों इतना अमेजिंग है कि ये आपको फ्लैगशिप फोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, लेकिन उनके बराबर की परफॉर्मेंस ज़रूर दे पाएगा क्योंकि ये 25,000 के अंदर आने वाला स्मार्टफोन है। बजट स्मार्टफोन हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, 25,000 के अंदर आने वाला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर देता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके काफ़ी सारे फीचर्स की तो यहाँ पर आपको फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर आपको एक मेन चीज़ बता दूं दोस्तों, इसका जो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज तो है, लेकिन अगर आपको स्टोरेज कम पड़ जाती है तो ज़रूरत ही नहीं, क्यों इसमें 3GB रैम एक्स्ट्रा से आपको मिल जाएगी एक्सपेंडेबल। दोस्तों इतनी मज़ेदार चीज़ यार, 25,000 के अंदर मिलना, यार 21,000 के अंदर आपको इतना अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा यार, क्या और क्या चाहिए आपको। आपको मिलता है वाईफाई 802.11 डुअल बैंड वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट, और अगर हम बात करें ब्लूटूथ की तो यहाँ पर आपको मिलता है 5.1 वर्जन ब्लूटूथ का और GPS इसके साथ में। लेकिन अगर मैं इसके कमियों की बात करूँ दोस्तों तो इसमें FM नहीं है, और यहाँ पर कंपनी ने जो है जो क्लेम किया है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न आपको इस फोन में मिलेगा। यार कितनी सही बात है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आपका फोन वापस ले लिया जाएगा कंपनी के द्वारा। यहाँ पर अगर इस पर मैं नॉच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बिंदी मैडम जरूर दिख जाएंगे क्योंकि ये बिंदी लगाना बहुत जरूरी है भाई। दोस्तों एक मजेदार बात और बता दूं मैं इस फोन की, अगर आप इस फोन की रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से 90-60 या फिर कुछ स्मार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे फोन कर सकते हैं। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। तो यार ये वीडियो यहीं तक था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आपके लिए एक मेन सरप्राइज जो कि मैंने एंड में रखा था, इस फोन का भी गिव अवे किया जाएगा। दोस्तों गिव अवे इसलिए क्योंकि ये फोन जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, इस फोन का गिव अवे किया जाएगा। गिव अवे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नीचे gleam.io का लिंक दिख रहा होगा, जल्दी से जाइए गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, और ये गिव अवे सिर्फ 38 डेज का है तो मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले मेन बात, आपको वीडियो को लाइक करना है, उसको शेयर करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको लिंक खोलना है, लिंक खोलने के बाद आपको उसमें एंट्री कंफर्म करनी है इस कॉन्टेस्ट की, और 38 डेज के बाद इसका रिजल्ट आएगा और ये ओप्पो A54 से पहले किसी एक लकी विनर को दे दिया जाएगा। दोस्तों यानी कि इस फोन का गिव अवे काफी मजेदार बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगली वीडियो जो है वो आने वाली है पता नहीं किस पे, लेकिन आएगी जरूर क्योंकि आपको कुछ नया नया कंटेंट तो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।